न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज इंटरनेट पे, फेसबुक पे एक टहलका मचा हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की एक सेक्स रैकेट बाहर आई हुई है, एक सीडी कांड बाहर आया हुआ, एक सीडी बाहर आई हुई है। कहते हैं उसमें अभिषेक मनु सिंघवी राजस्थान की कोई महिला एडवोकेट के साथ बड़े बेढंगे ढंग से नजर आते हैं, और वो उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि जब आप मेरे पास आई गए हो तो आप समझ लो कि राजस्थान सरकार में आपकी कोई बड़ी भर्ती हो जाएगी, एडवोकेट जनरल बना देने तक की कोई बात हो रही है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने मना हुक्म दे दिया है वो कांड सीडी दिखाने पर अखबारों को, मीडिया को। मैं भी दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म का आदर करता हूं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मगर ये अभिषेक मनु सिंह भी मुझे बहुत पसंद व्यक्ति है, क्योंकि वो भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूं, वो बड़े एडवोकेट है, मैं छोटा एडवोकेट हूं। और मैं देखता हूं उनकी जो अदब है, जब वो टीवी पे आते हैं, बड़े अदब से पेश आते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, चर्चा हो, कांग्रेस पे कितने ही बड़े आक्षेप हो रहे हो, अभिषेक मनु सिंघवी बिल्कुल दृढ़ता से, बिल्कुल हंसते हुए जवाब देते हैं। कांग्रेस की वॉल है, दी वॉल, तो वो बचाव करते हैं कांग्रेस का, तब हम देखते रह जाते हैं। मुझे पसंद है अभिषेक मनु सिंघवी, तो आज मैं अभिषेक मनु सिंघवी की पैरवी करना चाहता हूं। चाहे ये जो बात आई है बाहर कि अभिषेक मनु सिंघवी किसी महिला एडवोकेट के साथ विभत्स स्थिति में दिखाए गए हैं, और वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपको बड़ी पोस्ट दिलवा दूंगा राजस्थान सरकार में, तो आज मैं अभिषेक मनु सिंघवी को कोई दोष दिए बिना उनकी तरफ से मैं एक डिफेंस देना चाहता हूं। मैं इसमें अभिषेक मनु सिंघवी का कोई दोष नहीं देखता, क्योंकि बात जन्माक्षर होरोस्कोप जो हमारे राशिफल है, जो कुदरत का जो नियम है, वो नियम की वजह से ये अभिषेक मनु सिंघवी ये सेक्स कांड में फंस गए हैं। नियम ये है कि जो भी कोई बड़ा व्यक्ति बनेगा, कोई भी फील्ड में बहुत नामी होगा, राजनीति में चाहे पब्लिक डोमेन में, कहीं भी गायक है, संगीतकार है, वो गीतकार है, वो हीरो है, हीरोइन है, कोई भी बड़ी नामांकित या नामचीन व्यक्ति है, वो ज्यादातर बाय लॉ, बाय रूल सेक्स कौभांड में फंसेगी। उनके लग्नोत्तर शादी के बिना भी संबंध रहेंगे, बिना शादी के भी संबंध रहेंगे। जो व्यक्ति पब्लिक फिगर है उनको एक से ज्यादा संबंध रहेगा, ऐसी कुदरत की व्यवस्था है। कुदरत के जो नियम है, उसूल है, उसमें यह उसूल शामिल है। और ये नियम मैं कोई अपने घर से नहीं बना के आपको बता रहा हूं, ये जो बात है वो ज्योतिष विद्या के आधार से कह रहा हूं, और बड़े बड़े सुरमा ज्योतिष आचार्य भी मेरा कार्यक्रम सुन रहे होंगे। मैं तो बहुत छोटा ज्योतिषी हूं, ज्योतिषी तो नहीं हूं, बड़ा अभ्यासी जरूर हूं। तो ये जो पब्लिक फिगर है वो ऐसे बात में आ ही कैसे जाते हैं, तो उसकी वजह जो है वो ज्योतिष शास्त्र में पड़ी है। बात ऐसी है, मैं आपको ज्योतिष शास्त्र का एक नियम बताने जा रहा हूं, थोड़ा पेचीदा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र नहीं पता चलेगा वो सिर्फ सुन ले, समझने की कोशिश न करें। तो ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि चौथा स्थान जो है, जन्माक्षर जो बनती है, 12 खाने में जो जन्माक्षर बनाए जाते हैं, उसमें जो चौथा खाना है, चौथी जगह है, वो सुख की जगह है। तो ज्योतिष शास्त्र में पहला स्थान जो है वो देह स्थान है,
दूसरा स्थान जो है वो कैश फ्लो का स्थान है, आर्थिक स्थिति का स्थान है। तीसरा स्थान जो है वो भाई बंधुओं का स्थान है। चौथा स्थान जो है वो सुख स्थान है। अब जिसका सुख स्थान मजबूत होता है, वो चाहे खुद कोई बड़ा पैसे वाला हो ना हो कोई बात नहीं, मगर वो बड़े सुख चैन से रहता है। जैसे कि वो राष्ट्रपति भवन में एक हवलदार बन गया या राष्ट्रपति भवन में उसकी नौकरी लग गई। अब बाहर बड़ा 2-4 बीघे का बाग लगा हुआ है, चार ओर खुशहाली है, शांति है, बड़े क्वार्टर में रहता है, राष्ट्रपति के साथ में ही दिल्ली के सबसे पोश एरिया में वो रहता है। अब उसका सुख स्थान बहुत अच्छा है, सरकारी गाड़ियों में घूमता है, ड्राइवर है सरकारी गाड़ी में, राष्ट्रपति को लेके निकलता है, 6 दरवाजे वाली गाड़ी में वो घूमता है। तो ये होता है कि चौथा स्थान जिसका बहुत अच्छा हो वो बड़े सुख चैन से रहेगा। अगर चौथा स्थान बिगड़ गया तो क्या होता है? मेरे दोस्त है प्रकाश पंड्या, वो तो मानते नहीं ज्योतिष में, भगवान में भी नहीं मानते, मगर उनका चौथा स्थान बिगड़ गया है। जन्म से ही बड़े रईस जादे थे, बहुत पैसे में पैदा हुए, बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा उनके पास है, मगर प्रकाश भाई को बचपन से ही डायबिटीज है। अब वो घी लगाई हुई रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, वो जो खाना खाते उससे बढ़िया खाना उनके यहाँ काम करने वाले खाते, मगर प्रकाश भाई नहीं खाते। प्रकाश भाई करेले का साग खाते हैं, सब्जी खाते हैं, या प्याज की सब्जी खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, उसको ब्लड प्रेशर भी है तो ज्यादा पापड़ नहीं खा सकते, अचार नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, घर पूरा भरा हुआ है। तब उनके नौकर जो है वो ये सब जितनी चीज उनके घर में पड़ी हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो सब है, तो उनके नौकर उसको एंजॉय करते हैं, प्रकाश भाई नहीं कर सकते। अब मेरे एक दूसरे दोस्त है, उसको कमर में बहुत दर्द है। अब उनके नौकर डंडलो पिलो के गद्दे पे सो जाते हैं, मगर वो बेचारे एक नीचे खटिया लगा के सो जाते हैं जिसपे कोई गद्दी नहीं होती। तो चौथा सुख स्थान अगर बराबर नहीं होता तो आपको सुख नहीं मिलता, ये बात समझ लीजिए, ज्योतिष शास्त्र की बात है। अब आप कहेंगे कि मुझे 2 भाई हैं, अब ये 2 भाई के साथ मेरी जरा भी नहीं बिन मेरे अच्छे संबंध नहीं है, मैं उनसे बोलता नहीं हूं, भाई रूठ गए हैं। अब आपके आपका ज्योतिष देखेंगे तो पता चलेगा कि दूसरा स्थान में 2 भाई होने की संभावना लिखी हुई है, मगर भाई के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, सुखमय रहेंगे कि दुखमय रहेंगे, वो अगर आपको देखना है तो भाई का स्थान जो है वो 3रा स्थान है, वहां से 4था स्थान, मतलब कि 7वां स्थान जो है, अगर वो स्थान आपका अच्छा है, वो बड़ा मजबूत बना हुआ है, वहां अच्छे ग्रह पड़े हुए, अच्छे ग्रह देख रहे हैं, तो आपको भाई के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे। और नहीं रहे तो आपके भाई 6 हो 10 हो, मगर आप एक भी भाई से कोई सुख नहीं पाओगे। 2रा स्थान है वो संपत्ति का स्थान है, आर्थिक आमदनी का स्थान है। अब आपका 2रा स्थान है बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है कि आप लाखों रुपया आ रहे आ रहे आ रहे, मगर वो पैसा आप उपयोग कर पाओगे या नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो उसका 2रा स्थान जो है वहां से 4था स्थान, 2रे से 4था, तो मतलब 2, 3, 4 और 5, वो जो 5वां स्थान है वो अगर मजबूत है तो आप अपने कमाए हुए पैसों का सुख ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। तो ऐसे हर एक स्थान से जो 4था स्थान है वो सुख का स्थान है, वो दिखाता है कि आपको सुख कितना मिलेगा। जो विषय में आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसका सुख कितना मिलेगा वो आपको 4था खाना दिखाता है। अब 7वां स्थान जो है ज्योतिष में वो सेक्स का है, वो पत्नी का कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो एंजॉयमेंट है सेक्स की वो पत्नी के साथ होती है, मगर ज्योतिष पति पत्नी नहीं जानता। ज्योतिष तो सिर्फ जानता है कि आपको काम सुख कितना मिलेगा,
वो सातवें नंबर का जो खाना है, नंबर नहीं देखना है, सातवां खाना जो है उससे पता चलता है कि आपको पत्नी कैसी मिलेगी, उसका वो कैसी दिखेगी, वो सब आपको सात नंबर से पता चलेगा कि आपका जो साथीदार है वो कैसा होगा। अब एक बात समझ लो कि सातवां नंबर का जो खाना है उससे चौथा खाना, सातवां सेक्स सुख का जो स्थान है उससे चौथा खाना हमको गिनना है, चौथी जगह गिननी है। तो समझ लो सात, आठ, नौ और दस। दसवां खाना जो है, दसवीं जगह जो है, वो अगर बहुत अच्छी है, वहां अच्छे से अच्छे ग्रह पड़े हुए हैं, वहां गुरु लगा हुआ है, शुक्र लगा हुआ है, शनि बड़ा ऊंच का लगा हुआ है, सूर्य बड़े मेष राशि का लगा हुआ है, तो वहां जो अच्छे ग्रह पड़े हैं और उसे अच्छे ग्रह देखते हैं दसवें स्थान को, तब जाके आप राजनीति में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त करते हो। क्योंकि दसवां स्थान जो है वो जाहिर जीवन का स्थान है, राजनीति का स्थान है। तो दसवें स्थान में बढ़िया ग्रह हो, बढ़िया कॉम्बिनेशन हुआ हो, अच्छे ग्रह उसे देख रहे हो, शुभ ग्रह देख रहे हो, तब जाके वो राजनीति में आते हैं। अब होता ये है कि दसवां स्थान बहुत बहुत मजबूत होने से कोई व्यक्ति जाहिर जीवन में आता है, बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, मगर उसकी एक साइड इफेक्ट है। आप जब राजनीति में, जाहिर जीवन में, रंगमंच पे, सिनेमा में बड़े आदमी बनते हो, तो आपका सातवां जो स्थान है वो भी, उसका सुख जो है, सातवें स्थान का जो सुख है वो भी बहुत मिलेगा। मतलब सातवां स्थान जो है वो सेक्स का है। अब आपका दसवां स्थान बहुत मजबूत हो गया, बहुत फायदे देने वाला हो गया, तो यकीनन आप जाहिर जीवन में जितने बड़े होते जाओगे, आपका काम सुख भी आपको और ना और मिलता रहेगा। आप चाहते हैं ऐसा नहीं है, ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस है। यह अभिषेक मनु सिंघवी की बात नहीं है, उनके लिए बात नहीं हो रही है। कोई भी व्यक्ति जो जाहिर जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बड़ा उद्योगपति बनेगा, बड़ा संगीतकार गायक बनेगा, तो उसे नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप ही, वो चाहता है नहीं चाहता है कोई बड़ी बात नहीं, अपने आप ही काम सुख, बहुत काम सुख मिलना शुरू हो जाता है। तो बहुत स्वाभाविक है कि आप कितना भी संयम कर लोगे, आपके जो ग्रह है, आपके जो, आपकी जो तासीर है, आपके जो जन्माक्षर है, वही आपको फोर्स करते हैं कि आप राजनीति में आगे बढ़ रहे हो, ताकि आपके ग्रह बहुत बढ़िया है, दसवां खाना, दसवां स्थान जो है आपका बहुत बड़ा जोरदार हो गया है, ताकि आप मुख्यमंत्री बन गए, आप सीएम पीएम बन गए, आप फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, आप बड़े गायक बन गए, संगीतकार बन गए। तो उसका नतीजा ये भी होता है कि आपको सेक्स का, काम का बहुत सारा सुख मिलना शुरू हो जाता है। तो फिर आप एक पार्टनर से राजी नहीं रह पाओगे, आपको बहुत लोगों के साथ शरीर संबंध बनेगा, चाहे आप मनु सिंघवी हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, या नारायण दत्त तिवारी जी हो, या कोई भी हो। तो ये एक ज्योतिष की बात है, कुदरत का कानून है कि जो भी जाहिर जीवन में आएगा वो ये बातों में फंसेगा, फंसेगा और फंसेगा। हो सकते हैं, कोई एक्सेप्शन हो सकता है, आपके पति देव या पत्नी बहुत बड़ी जाहिर सेवा में काम कर रही है, बहुत बड़ी फिगर है, आप चिंता मत करिए, कोई भी नियम को एक्सेप्शन होता है। हो सकता है कि आपके पति देव या आपकी पत्नी वो एक्सेप्शन में से हो, मर ज्यादातर बाय लो, बाय रूल आप जाहिर जीवन में आओगे, बहुत बढ़ोगे, बहुत नाम कमाओगे, खूब ऊंचे जाओगे। तो ये बात तो होनी ही थी। तो अभिषेक मनु सिंह भी पकड़े गए, बैड लक। अब देखते हैं कि सीढ़ी में क्या है, कोर्ट क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, खुद अभिषेक जी क्या करते हैं, भगवान जाने। मैं तो दुआ करता हूं कि अभिषेक जी आप इससे बच के निकल जाए,
क्योंकि आपके बहुत सारे साथीदार और ज्यादातर साथीदार और सबके सब साथीदार जो आपके साथ लगे हुए हैं, चाहे कोई भी पक्ष में हो, वो भी इससे बाहर नहीं है, उससे छूटे हुए नहीं है, वो भी यही कर रहे हैं। सिर्फ इतना है कि आप पकड़े गए हो, आपकी कोई सीढ़ी, और कहते हैं कि उनके ड्राइवर ने कुछ ये सीढ़ी बनाई है। बात तो अभी कुछ पक्की है नहीं, अफवाह चल रही है, तो देखे अभी ये प्रकरण में क्या होता है। मर में दोष नहीं देता, अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं देता, नारायण दत्त तिवारी जी को नहीं देता, उन्होंने तो राजभवन में रासलीला करी, और वो एक कोई मेरे जितनी उम्र का लड़का उनके पीछे पड़ा हुआ है कि नारायण दत्त तिवारी जी मेरी माँ के साथ ही रहते थे और मैं उनकी औलाद हूँ। तो ये दोनों तो फंसे हुए हैं, नाम बाहर आ गए हैं, बाकी के नाम जो है वो बाहर नहीं आए, वो फंसे नहीं है, और उनका चारित्र अभी भी लोगों की नज़र में ठीक है, अच्छा है, सब खुल जाए, सबके चारित्र खुल जाए वो भी ज़रूरी नहीं है। तो मेरी हमदर्दी जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी के साथ है, और हम चाहते हैं कि अभिषेक जी की कैरियर है वो कैसे भी बनी रहेगी। तो सीधी बात में आज मैं इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।